मोशन में अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी तरह के मोशन को, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह की वेलोसिटी चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इतनी सारी चीजों को अब हमें कैसे पढ़ना है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से कैसे दिखाएंगे। तो हेडिंग डाल देंगे अब आज के लिए, लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो दो तीन तरह के ग्राफ पढ़ने और सारे ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लिखो नंबर वन, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुम्हें ग्राफ के अंदर एक चीज जरूर मालूम होगी, बताओ कोई सा भी ग्राफ हो, जैसे हमने मैथ्स में सुना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ध्यान रखना यहां पर भी बिल्कुल वही बात है, यहां पर भी जो ग्राफ बनाया जाएगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही बनाया जाएगा। इस तरह से बनाते हैं ना ग्राफ, तुमने देखा होगा ऐसे, है ना, ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। सबसे पहली खासियत डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ये होती है कि देखो बोर्ड पे इस y एक्सिस पर तो दिखाया जाता है डिस्टेंस, इस वाले y एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है डिस्टेंस, तो बताओ x एक्सिस पर क्या दिखाया जाएगा टाइम, है ना, देखो नाम से ही पता चल रहा है, तभी इस ग्राफ को क्या बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले तो इस ग्राफ के लिए एक छोटी सी लाइन लिखना, फिर ड्रॉ करेंगे। तो लिखो लिखो इट इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, इट इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो मैं तीन केस बनवाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज्यादा से ज्यादा तीन चार केस हैं बस। पहला केस बनाते हैं अब, हालांकि पहले भी मैंने बनवाया था लेकिन फिर से बनवा रहा हूं क्योंकि ग्राफ के टॉपिक में भी तुम्हें बनाना है। बोर्ड पे देखो जरा, दो मिनट के लिए देखना, फिर चाहे तुम वीडियो पोज करके ड्रॉ कर लेना। बोर्ड पे देखो, देखो इस एक्सिस पर तो हमने क्या रिप्रेजेंट करा है टाइम, और इस एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करा है डिस्टेंस, मतलब एक एक्सिस पर पहले से ही मैंने बता दिया है क्या दिखाते हैं डिस्टेंस, और एक एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है टाइम। तो देखो टाइम हमें बता रखा है शुरू के 20 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करा 20, रफली कह रहा हूं कितना कवर करा 20। अगले 20 सेकंड में, मतलब वो 40 सेकंड का समय लग गया है, अब उसने डिस्टेंस कवर करा 30। फिर अगले 20 सेकंड हुए, इसका मतलब 60 सेकंड हो गए टोटल, और अब कवर कराया उसने 40। मुझे बताओ हर बार वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10-10 कर रहा है ना, बताओ हर बार। देखो बोर्ड पे पहले 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, है ना, हर बार वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करके बढ़ा रहा है, 10-10 कवर करके बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, इक्वली या अनइक्वली। याद करो वो डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन में बताई थी, जब हम डिस्टेंस इक्वली कवर करते हैं तो ऐसा मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म, ऐसा मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म। तो देखो इसके पॉइंट बना लो, पहला पॉइंट बनेगा ये 40 पे 30, दूसरा पॉइंट बनेगा ये, और 60 पे 40, तीसरा पॉइंट बनेगा ये। तो देखो जब इसको ज्वाइन करोगे,
तो बिल्कुल एक सीधी लाइन मिलनी ही चाहिए इस वाले ग्राफ के अंदर तुम्हें ना एक सीधी लाइन मिलनी ही चाहिए जरूर। अगर सीधी लाइन नहीं मिली तो समझो कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि क्योंकि ये केस वन है और केस वन में तुम्हें मालूम है मैंने कौन सा केस ड्रॉ करवाया है, यूनिफॉर्म मोशन का। और तुम्हें एक चीज याद होगी, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ग्राफ कैसा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट पेपर में आया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो पेपर में जो आया है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो बताओ उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो तुम्हें क्या बताना है, यूनिफॉर्म। खैर अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, अगला लिखो। इसे बना लिया, लिखना क्या है मतलब ड्रॉ करना है। तो देखो इसे ड्रॉ कर लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पोस्ट करके कर लेना। अभी जरा दूसरा और समझ लो हाथों हाथ। देखो बोर्ड पे पहले टाइम लगा 10 सेकेंड, फिर टाइम लगा 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड। इस तरह से समय क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है। और यहां पर फिर से क्या दिखाया गया है, डिस्टेंस, क्योंकि भाई ग्राफ तो वही चल रहा है, वही ग्राफ पढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही पढ़ा रहा हूं, कोई नया ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो यहां पर था 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर सपोज, है ना। देखो जब शुरू के 10 सेकेंड हुए तब भी ऑब्जेक्ट यहां पर था, जब दूसरे 20 सेकेंड हुए तब भी ऑब्जेक्ट यहां पर था, जब अगले 30 सेकेंड हुए तब भी ऑब्जेक्ट यहां पर था, जब 40 सेकेंड हुए तब भी एक ऑब्जेक्ट यहां पर था। मुझे बताओ 10 सेकेंड पहले भी तुम यहां पर थे, 20 सेकेंड बाद भी तुम यहां पर थे, 1 घंटे बाद भी यहां पर थे, क्या तुम कुछ मोशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? मोशन एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट तब करता है जब वो अपनी पोजीशन बदलता है। क्या इसने अपनी पोजीशन बदली? भाई ये बेचारा 30 किलोमीटर पर खड़ा हुआ था और हर समय 30 किलोमीटर पे ही खड़ा रहा, इसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन सारे पॉइंटों को मिलाऊंगा तो देखो थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं ड्रॉ करने से, लेकिन तुम्हारे पास स्केल होना चाहिए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से ड्रॉ करने को मिल जाएगा। मुझे बताओ 10 सेकंड पर भी वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था, 20 सेकंड पर भी वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था, 30 सेकंड पर भी 30 मीटर की दूरी पर था, और 40 मीटर की दूरी था। क्या उसने अपना डिस्टेंस एक बार भी बदला? नहीं बदला ना। और जब तुमने अपना डिस्टेंस या अपना प्लेस नहीं बदला है, तुम मोशन में हो या रेस्ट में हो, है ना, पता चल गया होगा तुम्हारी पोजीशन कैसी है, रेस्ट है, क्योंकि तुमने अपनी पोजीशन बदली ही नहीं। तो लिख दो केस 2 था हमारा रेस्ट, लिखो रेस्ट, केस 2 में तुम्हें लिखना है रेस्ट। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पेपर में कैसे आता है, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ ये नीचे वाला क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, और ये ऊपर वाला क्या होता है, वर्टिकल वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये बात तुम्हें मैथ से पता होनी चाहिए, नहीं भी पता कोई बात नहीं। देखो ये वाला जो एक्सिस होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये होता है हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ रेस्ट तो आ गया, कंडीशन तो क्या आ गई, रेस्ट, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, पता है जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें फ्लैट है ना, बोर्ड देखो इधर, अगर मैंने मार्कर को ऐसे खड़ा करके रख रखा है हाथ पे तो ये बोला जाता है वर्टिकल, और अगर मार्कर को मैंने ऐसे लिटा के रख रखा है तो ये माना जाता है हॉरिजॉन्टल। ध्यान से सुनो, अगर मार्कर बिल्कुल इस तरह से है तो ये माना जाएगा वर्टिकल पोजिशन, और अगर मार्कर ऐसे रख रखा है तो ये माना जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब मुझे बताओ जो रेस्ट का ग्राफ आया है वो रेस्ट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल आया है या वर्टिकल आया है, ध्यान से देखो। बताओ ऐसे लेटा हुआ नहीं है क्या ग्राफ? तो पेपर में आता है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, ध्यान से सुनो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो बताइए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो तुम्हें बताना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, रेस्ट, समझ गए ना। अब तीसरा, तीन ही है बस,
तो ड्रॉ कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ। तो अब हम बनाएंगे केस थ्री। तो देखो केस थ्री जो है मैं मार्क नहीं कर रहा 10 20 30 सेकेंड या 1 2 3, मतलब डिजिट मार्क नहीं कर रहा, सीधा ग्राफ बना रहा हूं। और तुम्हें याद भी होगा ये ग्राफ मैंने किस में बनवाया था। नहीं है याद, कोई बात नहीं, जिन्हें याद है अच्छी बात है। पहले तो ये लिख लेना, ये हमारा केस थ्री है, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा इस तरह का जो होता है इसको हम लाइन नहीं बोलते। क्या ये लाइन है भाई? लाइन ऐसी नहीं होती है, लाइन तो सीधी होती है बिल्कुल, ये लाइन नहीं है। इसको बोला जाता है कर्व। कर्व मतलब जब लाइन के अंदर क्या आ जाती है, गोलाई आ जाती है। जब किसी भी लाइन में पता है गोलाई आ जाती है ना, तो वो लाइन नहीं रहती, तब वो क्या कहलाती है? कर्व कहलाती है। हम उसको क्या बोलते हैं? कर्व। तो पेपर में आता है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व की फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए। तो ध्यान रखना ये तुम्हें याद होगा, ये वाला ग्राफ मैंने किस में बनवाया था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर बात याद नहीं आ रही है तो तुम अभी भी अपने रजिस्टर में पीछे देख सकते हो, स्टार्टिंग की क्लास में जब मैंने ये ग्राफ बनवा रखा है। तो ध्यान रखना इस तरह का ग्राफ का नेचर होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों होता है ये बातें मैंने वहां पर बता दी थी, अगर अब भी नहीं याद आ रहा है तो मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। तो ले दे के हमारे ये तीन ग्राफ होते हैं, किससे मिलते हैं हमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब वो मैं तुम्हें लिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन ग्राफ के बेस पर पूछा जाता है, मतलब ग्राफ के बेस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ग्राफ कर देता हूं मैं, रब बना लेना, लेकिन इसको लिखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। लिखो व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द नेचर, नेचर मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ नेचर का मतलब होता है पोजीशन। ये हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखाई देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा ड्रॉ किया जाएगा अगर मोशन क्या है, दो केस पूछे इसने, अगर मोशन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। तो तुम्हें याद होगा, आंसर लिखो पहले, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था अगर मोशन यूनिफॉर्म होता है तो ग्राफ, देखो केस वन देखो जरा, अभी जो मैंने ड्रॉ करवाया है मुझे बताओ केस वन ही तो था यूनिफॉर्म का, और मैंने बताया था यूनिफॉर्म के केस में लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ठीक है। तो लिखो आंसर में, लिखो इन यूनिफॉर्म मोशन, लिखो इन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है ना। तुमने देखा था कि ग्राफ की जो लाइन थी वो नीचे से ऊपर जा रही थी। अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी भी तुम ग्राफ में केस वन में देखो, केस वन में मैंने लिखवाया है, तीन केस बनवाए हैं ना, केस वन में देखो यूनिफॉर्म का केस वहीं पर है। जब मैं समझाते वक्त तुम्हें क्वेश्चन बता रहा था तो मैं यही क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो लिखो इन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, क्या होती है? स्ट्रेट लाइन।
अब नॉन यूनिफॉर्म, भाई नॉन यूनिफॉर्म तो अभी अभी कर रहा था ना, क्या बताओ स्ट्रेट लाइन होती है या कर्व बनता है? केस थ्री को देखो जरा, केस थ्री के अंदर क्या तुम्हें कोई सीधी लाइन दिखाई दे रही है? नहीं, सीधी लाइन नहीं दिखा रही दे रही, कर्व दिखाई दे रहा है। तो लिखो इसी के अंदर एक लाइन छोड़कर लिख देना ताकि टीचर को भी दोनों पॉइंट अलग दिखाई दे। तो लिखो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका नेचर कैसा होता है? कर्व की फॉर्म में, ना कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं सबके सब पेपर में आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना, कभी तुम सोचो ऐसे लिखवाने में लग रहा हूं। लिखो व्हाट कैन यू से, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन, अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी लिख लो, बस मैं फिर तसल्ली से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा बच्चों का खेल हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन करना। अभी केवल लिखो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज, डब्ल्यू एच ओ एस ई, बोर्ड पे लिखा हुआ है हुज, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बोर्ड पे लिख देता हूं टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। देखो व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं अबाउट द मोशन, मोशन के बारे में ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के जिसका टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने कहा है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल लाइन हो वो भी स्ट्रेट, बोर्ड पे देखो अगर स्ट्रेट लाइन हो वो भी पैरेलल, और वो भी किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के। मुझे बताओ, तुम्हें मैथ्स में इतनी बातें तो पता है ना, देखो बताओ क्या ये वाली लाइन टाइम के पैरेलल है या नहीं है, क्या ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है। देखो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ कैसा मोशन है, तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट मोशन में, बताओ क्या ये केस टू नहीं था, अभी जो मैंने तुम्हें केस बनवाए थे क्या ये क्वेश्चन केस टू का नहीं है, तो बताओ क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है आप क्या कह सकते हैं मोशन के बारे में, तो बताओ आप क्या कह सकते हो, क्या मोशन है? नहीं, क्योंकि तुम्हें याद होगा केस टू में मैंने रेस्ट की बात करी थी, क्यों, वो इसलिए, सपोज देखो वो 40 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ था, वो 40 मीटर के डिस्टेंस पर ही खड़ा हुआ है हर समय, उसने अपना डिस्टेंस बदला ही नहीं है। खैर ये बातें मैंने वहां पे समझा दी थी, इसका मतलब ये हुआ, मैंने दो तरह से बोला था ना क्वेश्चन, या तो हमें बोलेगा ये लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, या फिर वो हमें एक चीज और बोल देता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बात याद आई, ये ग्राफ वाले में मैंने बताया था अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो बताइए मोशन कैसा है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसके पैरेलल है तो बताइए मोशन कैसा है। तो दो वर्ड याद रहेंगे ना, या तो वो बोलेगा पैरेलल या फिर वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल, दोनों के केस में ऑब्जेक्ट का मोशन है ही नहीं, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो आंसर लिखो, लिखो दिस इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दिस इंडिकेट द ऑब्जेक्ट
इज एट रेस्ट, दिस इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब क्वेश्चन ये है, तुम्हें मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ करा दिया, ग्राफ समझा दिए, ग्राफ कैसे बनेंगे ये भी बता दिया, ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी बता दिया, तुमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। कि जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्या हमें मोशन बिना इसके समझ में नहीं आया था, बिल्कुल आ गया था, क्या हमने बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं करे थे, बिल्कुल करे थे। एक चीज का ध्यान रखना, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना हमारा, वो पता है किसके लिए बनाया गया है, मुझे बताओ स्पीड तुम कब निकाल पाओगे, जब क्वेश्चन तुम्हें क्या बताएगा डिस्टेंस, स्पीड तुम कब निकाल पाओगे जब क्वेश्चन तुम्हें क्या बताएगा टाइम, बताओ बिना डिस्टेंस के स्पीड निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या बिना टाइम के स्पीड निकलेगी नहीं निकलेगी, और डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें हमें कौन से ग्राफ से पता चल जाएंगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अभी अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या क्या दिखाता है, एक तो डिस्टेंस दिखाता है तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें एक चीज और दिखाता है, क्या दिखाता है टाइम दिखाता है, तो टाइम हमें पता चल जाएगा, और जब ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो हमें क्या पता चल जाएगी स्पीड, कैसे पता चल जाएगी वो अब करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखना है नोट के अंदर, और इतना इंपॉर्टेंट है जितना लिख सको इस पे, क्यों पेपर में आया है कई बार कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है ये ग्राफ, मतलब क्यों इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक मेन ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ये हमें क्या फाइंड करवाता है स्पीड, हमें किसके बारे में नॉलेज दिलवाता है स्पीड के बारे में, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो नोट के अंदर एक पॉइंट डालना है, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो वी कैन डब्ल्यू ई, बोर्ड पे लिखा हुआ है वी, लिखो वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू कैलकुलेट द, वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो एक ही बात है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कैसे है ना, क्वेश्चन यही तो है कैसे, चलो अब करेंगे ऐसे, स्टार्टिंग में बड़े सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, और इस स्टार्टिंग के बाद धीरे धीरे हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर बहुत टफ काम होने लगेगा ना, तो थोड़ा सा रुककर ड्रॉ करना और जेन्युइन ग्राफ बनाना, मतलब बिल्कुल सही है ना, स्केल वगैरह हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बना दिया मैंने, देखो मैंने डिस्टेंस के लिए शॉर्ट में लिख दिया DIS, तुम लोग पूरा लिखना डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो मैंने नीचे सेकंड दिखाए, मतलब टाइम, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड और चार सेकंड, अब मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा ग्राफ कैसे बनेगा, वही ग्राफ तो तुम्हें बनाना आना चाहिए, अब भी नहीं आया तो तुम क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, और वैसे ही बनाना कोई, देखो कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ, बोर्ड पे देखो,
एक पर कितना था 20, तो पॉइंट ये बन गया। देखो मैं मैच भी करवा देता हूँ, लेकिन ऐसा ना, ये जो मैं डॉटेड बनाता हूँ इसको तुम मत बनाना, ये तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। इससे क्या होता है, देखो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं है, लेकिन जब तुम 9th क्लास के लेवल पर काम कर रहे हो तो ये तो बच्चों वाला तरीका होता है, इसको ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, घिचपिच मच जाती है। इसी तरह से इसको देखो, है ना, मैं एक दो बना के दिखा रहा हूँ बस तुम्हें इस तरह से। तो ये काम तो बहुत आसान है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि बनाना ही नहीं है इसको, जब मैं बोलूँ बनाने को तभी बनाना। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो देखो ग्राफ तो हमें तैयार हो गया। देखो मेरे, मैं जो ड्रॉ करता हूँ थोड़े बहुत पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मार्कर वगैरह से टेढ़ा वगैरह हो जाता है, लेकिन यकीन मानो जब तुम इसको प्रॉपर मेजर करके स्केल की हेल्प से, एक एक पॉइंट को स्केल की हेल्प से मार्क करके ड्रॉ करके लिखोगे, तो तुम्हारी जो लाइन आएगी ना बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल सीधी स्केल से बिल्कुल सीधी आएगी। ये तो मेरी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये मत सोचना कि ग्राफ गलत बन गया है ना, तो इस चीज का ध्यान रखे करो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्पीड कैलकुलेट करके, देखो बोर्ड पे। अब देखो एक काम करते हैं, स्पीड है ना तुम तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब तुम कोई से भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, कोई से भी 2 पॉइंट तुम क्या कर लो, मार्क कर लो। तो देखो मैं कोई से भी 2 पॉइंट प्लॉट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, देखो जरा बहुत ही आसान काम है। देखो बोर्ड पे एक पॉइंट तो ये मार्क कर लो, क्या नेम देना पसंद करोगे बोलो, ए, ठीक है, और एक पॉइंट ये मार्क कर लो, इसको क्या नेम देना पसंद करोगे, बी। और इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होना कि इन्हीं 2 पॉइंट के हिसाब से स्पीड कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, अभी तो मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ, वरना तो क्वेश्चन है ना हमें खुद बताता है कि हमें किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक की स्पीड निकालनी है, ये तुम खुद नहीं सोचोगे, ये बात तो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा और वो खुद ही बता देता है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से निकाल देंगे। लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से ये 2 पॉइंट मान लिए कि इन 2 पॉइंटों पर मैं स्पीड निकालूंगा। मुझे बताओ डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, बोर्ड पे देखो डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, यहां से मिलेगा या यहां से मिलेगा, भाई सीधी बात है, ये कौन सा एक्सिस है, टाइम का एक्सिस है, तो क्या बताएगा, टाइम बताएगा। ये कौन सा एक्सिस है, डिस्टेंस का एक्सिस है, तो डिस्टेंस मिलेगा कहां से, यहीं से मिलेगा। 2 पॉइंट मार्क हो गए ना, अब करना ड्रो जो मैं कह रहा हूं, देखो अब कर सकते हो, और थोड़ा क्लियर करना ताकि घिचपिच ना मच जाए। इस तरह से क्यों ड्रो करा अभी मैं बता दूंगा, ड्रो अब भी मैं यही बात बोलूंगा कि अब भी मैंने ड्रॉ बस इसीलिए करा है ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे बताओ डिस्टेंस, अगर तुम स्पीड निकाल रहे हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बोर्ड पे देखो जरा डिस्टेंस के लिए, इधर देखते हैं बोर्ड पे, देखो देखो इधर ए पॉइंट, बोर्ड पे देखो ए पॉइंट, ए पॉइंट पर उसको समय कितना लग रहा था, 1 सेकंड का, मान लो सेकंड में, मिनट में या आर में, है ना, घंटे में मत मानो, सेकंड में मान लो। देखो टाइम हमने कुछ नहीं मान रखा कि सेकंड की बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है, घंटे की बात हो रही है, कुछ भी मान लो अभी क्या जा रहा है ना, सेकंड मान लेते हैं। देखो ए पॉइंट पर उसे 1 सेकंड का समय लग रहा है और 1 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, 20 पर। अब 20 मीटर मान लो, है ना, इधर सेकंड में मान रहे हैं तो उधर क्या मान लो, मीटर मान लो, अगर इधर घंटे में मान रहे हैं तो उधर किलोमीटर मान लेंगे, बात एक ही, डिस्टेंस और टाइम तो वही रहेगा, ठीक है। देखो अब इधर उसे ए पॉइंट पर 1 सेकंड का समय लगा और कितने डिस्टेंस पर गया हुआ था, वो 20 पर, क्लियर। देखो जैसे ही 1 सेकंड से दूसरा सेकंड हुआ, बोर्ड पे देखो जैसे ही 1 सेकंड से दूसरा सेकंड हुआ, मतलब वो कौन से पॉइंट पर आ चुका है, बी पर, है ना भाई। देखो A1 से लेकर 2 पर जाते ही वो कितने पर आ गया, बी पर आ गया, और बी पर कितना डिस्टेंस पर आ गया, 40 पर। क्या ये 2 गोले तुम्हें दिखाई दिए, क्या ये 2 गोले नीचे वाले दिखाई दिए, बिल्कुल मजा आ गया, फिर तो समझो। देखो बोर्ड पे अब जैसे ही उसको समय 1 सेकंड से दूसरा सेकंड लगा, तुरंत उसने 20 डिस्टेंस से किस डिस्टेंस पर पहुंच गया, वो 40 पर। बोर्ड पे देखो
एक से लेकर दो तक में कितना सेकंड का समय लगा? 1 सेकंड का समय लगा ना। देखो, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पर जाने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा। अब देखो, 20 मीटर के डिस्टेंस से 40 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर करा? 20 कवर करा ना। कैसे पता चला? अभी मैं बताता हूं। देखो, कोई बात नहीं, बस इस बेसिक को समझ लोगे ना, उसके बाद तो फिर हर क्वेश्चन बहुत धड़ाधड़ करते चले जाओगे तुम। तो देखो, अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो बोर्ड पे, ये पहले वाला डिस्टेंस था, कितना था? 20, सही है। दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है? 40। पहले वाला टाइम कितना है? 1 सेकेंड। दूसरा वाला टाइम कितना है? 2 सेकेंड। क्यों ना मैं पहले वाले डिस्टेंस को S1 मान लू, दूसरे वाले डिस्टेंस को S2 मान लू, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वाले टाइम को T1 मान लू, दूसरे वाले टाइम को T2 मान लू। तुम सोच रहे होंगे भैया डिस्टेंस के लिए SQ इस्तेमाल कर लिया। याद करो, डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? S से ही तो दिखाते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। कभी मैथ्स की तरह डिस्टेंस को D से दिखाओ, यहाँ पर D से नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस को S से दिखाते हैं। याद करो, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो वहां पर डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता था? S से, ठीक है। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, S1 से S2 पर वो आ गया, 20 से आ गया 40 मीटर पर, कितना डिस्टेंस कवर करा? 20 ही तो कवर करा। कैसे पता चल रहा है भाई? माइनस करके पता चल रहा है। देखो, 40 में से 20 माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए उसे कितना समय लग गया? बोर्ड पे देखो, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पर आ गया, कितने सेकंड का समय लगा? 1 सेकंड का समय लगा। बात समझ में आ रही है ना? कितना समय लगा? 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पर आ गया, 1 सेकंड का समय लगा। बस बात खत्म हो गई। जरा अब देखो, तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मुझे बताओ। तुमने क्या करा डिस्टेंस निकालने के लिए? तुमने 40 में से क्या माइनस करा? 20। 40 में से क्या माइनस करा? 20, है ना। यानी कि S2 में से माइनस करा S1। डिस्टेंस तो आ गया S2 माइनस S1। अब इधर देखो, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पर आ गया, 1 सेकंड का समय लगा ना। कैसे पता चला? 2 में से 1 माइनस करके, यानी कि दूसरे टाइम में से पहला वाला टाइम माइनस करना है, यानी कि फॉर्मूला बन गया ये। बात समझ में आई? देखो, मैं चाहता तो तुम्हें सीधा ही दे देता फॉर्मूला की, भाई फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, ये होता है S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने तुम्हें कम से कम लॉजिक समझाया कि कैसे आया ये। अब समझ रहे हो ना? हालांकि देखो, लॉजिक बेशक तुम्हें 60% ही समझ में आया हो, चाहे 10% ही समझ में आया हो, लेकिन लॉजिक पता तो चल गया कैसे बना। याद तो तुम्हें फॉर्मूला ही करना है। क्या होता है फॉर्मूला? S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। S2 मतलब दूसरा डिस्टेंस, S1 मतलब पहला डिस्टेंस, T2 मतलब दूसरा टाइम, और T1 मतलब पहला टाइम। अब डाल दो बोर्ड पे। देखो, दूसरा डिस्टेंस कितना था? 40। पहला डिस्टेंस कितना था? 20। दूसरा टाइम कितना था? 2। पहला टाइम कितना था? 1। बताओ, 40 में से 20 गए 20, और 2 में से 1 गया 1। मैंने बताया था अपोन में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, यूनिट तो हमें पता नहीं कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है या सेकंड में है, तो फिलहाल ये वाली यूनिट लगा दो, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया ना? ये एग्जाम्पल तो बस मैंने तुम्हें किस लिए बताया था? फॉर्मूला समझने के लिए, वरना क्वेश्चन करना तो अभी और भी ज्यादा आसान है। देखो, ये नोट कर लेना, पूरा वीडियो पोस्ट करके सारा नोट करना है। कभी तुम सोचो मैंने वैसे समझाया है, यूं ही नहीं समझाया, नोट करना है ये। अब करेंगे क्वेश्चन। देखो मेरे पास कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो, लेकिन फिर मैं उसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। लिखो, ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ विच हैज 0 स्पीड। ड्रॉ अ ग्राफ विच हैज 0 स्पीड, विच हैज
जीरो स्पीड, ड्रॉ अ ग्राफ विच हैज जीरो स्पीड, जिसकी स्पीड क्या है, जीरो। बताओ ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे बताओ स्पीड जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। बताओ ऑब्जेक्ट एक जगह ऐसे खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, और वो एक ही डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, उसकी स्पीड क्या मानी जाएगी, जीरो। जीरो इसलिए मानी जाएगी, बताओ स्पीड जीरो कब नहीं होती है, स्पीड जीरो कब नहीं होती है, जब हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन वो तो डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा, वो एक जगह खड़ा हुआ है, मतलब वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है, रेस्ट। और वैसे भी तुम्हें ना एक बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तभी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, जीरो हमेशा। क्यों, इस बात को मैं प्रूफ करूंगा। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम है क्या होगी, जीरो। कैसे, वो प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले ग्राफ बना लेते हो। ग्राफ बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्राफ तो मैंने तुम्हें सिखा ही दिया, देखो कितना आसान ग्राफ है, वही हॉरिजॉन्टल वाला, ये हो गया, बन गया, लिख दो इधर। इधर है हमारा डिस्टेंस, इधर है हमारा टाइम, ये है जीरो, यहां पर लिख देना रेस्ट। ऑब्जेक्ट की कंडीशन कैसी है, रेस्ट, और स्पीड क्या है, जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है स्पीड कैसे है जीरो, भैया आपने कहा, हमने मान लिया, देखो लॉजिक क्या कहता है, बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं मैं सिखाने के लिए बैठा हूं। देखो एक सेकंड का समय लगा था तब भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन यहां पर थी, क्लियर। मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस, मान लो 30 मीटर का डिस्टेंस है, सपोज 30 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा सेकंड हुआ तब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यही थी, क्या उसने अपनी पोजीशन बदली, नहीं बदली, ये बात तो समझ में आ गई ना, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि ये रेस्ट में क्यों है। मान लो तीसरा सेकंड हुआ, अब भी उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, तो ग्राफ कैसा बन गया, हॉरिजॉन्टल, तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये रेस्ट में है। अब स्पीड भैया जीरो कैसे, ये बता दो, कोई बात नहीं अभी बताएंगे। देखो स्पीड जीरो कैसे, मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला, अभी अभी मैंने क्या बताया था, एस टू माइनस एस वन टी टू माइनस टी वन, तो करना क्या है तुम्हें, दो पॉइंट चूज करना है, मैंने पहले ही बताया था, जब भी तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है ना तो दो पॉइंट के बिना नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हम करके आए, दो पॉइंट माने थे ना खुद से, इसमें भी नहीं बताया, हम भी फिर से इस बार मान लेंगे। तो बोर्ड पे देखो दो पॉइंट मान लेते हैं, देखो बोर्ड पे इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पीड निकालेंगे ए से लेकर बी तक की। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, दो मिनट के लिए फोकस होकर देखो, बस मजा आ जाएगा फिर। ए पॉइंट पर टाइम कितना लग रहा है, एक सेकंड, क्या मैं इसको टी वन बोल दूं, बोल दो। बी पॉइंट, अच्छा देखो ए पॉइंट पर टाइम कितना लग रहा था, एक सेकंड, टी वन। ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितना था, 30 था, S1, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। B पॉइंट पर टाइम कितना लग रहा था, 3 सेकंड, क्या मैं इसको T2 बोल दूं, बोल दो। B पॉइंट पर डिस्टेंस कितना था, 30, क्या मैं इसी को S2 बोल दूं, बोल दो। क्यों, क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदला, भाई बोर्ड पे देखो एक सेकंड से तीसरे सेकंड पर आ गया, टाइम एक सेकंड से 3 सेकंड गुजर गया, लेकिन क्या वो 30 मीटर से आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या वो 30 मीटर से पीछे आया, नहीं आया। ए पॉइंट पर भी 30 मीटर के डिस्टेंस पर था, बी पॉइंट पर भी 30 मीटर के डिस्टेंस पर था, मतलब 30 ही उसका क्या है, एस वन है, और 30 ही क्या है उसका, एस टू है। अब बोर्ड पे देखो, बताओ एस टू की वैल्यू भी क्या डालूंगा, 30, S1 की वैल्यू भी क्या डालूंगा, 30, लेकिन नीचे टाइम भी सेम आएगा, नहीं टाइम तो अलग आ रहा है, टाइम तो कभी कॉन्स्टेंट नहीं होता, टाइम किसके लिए रुकता है, टाइम कभी नहीं रुकता, तुम रुके रहो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर रुके रहो, जिंदगी भर 30 मीटर के डिस्टेंस पर ही खड़े रहो, ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, टाइम तो चलता रहेगा। तो देखो टाइम क्या हुआ, T2 - T1 है ना, देखो बोर्ड पे T2 - T1, तो 3 में से एक का डायरेक्ट लिख दो, 2, चलो लिख ही लेते हैं, 3 - 1। मुझे बताओ ऊपर क्या हो गया, 30 - 30 0, और अपोन में क्या हुआ, 3 - 1 2,
यानी कि जी मैंने बताया था जब भी ऊपर कोई डिजिट जीरो होती है और नीचे कोई डिजिट होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। और अब तो तुम्हें समझ में भी आ गया क्यों हॉरिजॉन्टल के केस में स्पीड जीरो होती है, क्यों, ये बात तुम्हें पता चल गई। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, ग्राफ बनाने को, क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ क्या बोला था, ग्राफ बनाने को। लेकिन मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि इस ग्राफ के अंदर स्पीड जीरो कैसे है, ये बात समझ में आ गई ना, इस ग्राफ के अंदर स्पीड जीरो कैसे है ये बात मैंने प्रूफ कर दी। तो क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ ग्राफ पूछा है, तो अगर पेपर में या टेस्ट में आता है ना ग्राफ बनाने को, तब तुम अपने सॉल्यूशन में सिर्फ ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफ बनाना है ये मत करना। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देता है हाउ कैसे, या फिर कह देता है प्रूफ करो कैसे, तो तुम्हें ये छोटा सा काम इधर कर देना है, ठीक है, वरना तुम सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ सकते हो। और देखो जब सिर्फ ग्राफ बनाओगे ना, ये T1 T2 वगैरह खुद मत मानना फिर, है ना, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, जब तुम सिर्फ ग्राफ बना रहे हो तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये ए और बी भी मत मानना, ठीक है, 1 2 3 मान लेना, 30 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, बस एक ग्राफ बनाकर छोड़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, बोर्ड पे देखो, जब भी हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टल के केस में स्पीड क्या होती है, जीरो। हॉरिजॉन्टल के केस में स्पीड हमारी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल धीरे धीरे तिरछा होता जाए, देखो बोर्ड पे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, अब देखो ये होता है ना हॉरिजॉन्टल, स्पीड क्या थी, जीरो थी। अब मान लो धीरे धीरे ये ग्राफ सीधा होता जा रहा है, मतलब सीधा का मतलब उठता जा रहा है। देखो जो इस जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको दूसरी भाषा में फ्लैटर भी बोलते हैं, कहते नहीं है यार ये तो बड़ा फ्लैट है, फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन, ग्राफ बिल्कुल कैसा है, फ्लैट हुआ हुआ है, दबा हुआ है, प्लेन है बिल्कुल इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे देखो बोर्ड पे, धीरे धीरे इस तरह से ग्राफ उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, ये हो गई, अब पोजिशन ये हो गई, क्या अब भी स्पीड जीरो होगी, नहीं अब स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी मैं बता दूंगा, और उठा और उठा, फिर स्पीड जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना, ग्राफ उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, इस तरह से स्पीड बढ़ती जाएगी, इस चीज का ध्यान रखो। जैसे ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, उठते 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 पूरा क्या बन गया, वर्टिकल। अब देखो जरा, अब ये ग्राफ कैसा बन चुका है, स्पीड का बिल्कुल वर्टिकल। इस केस में हमारी स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो बिल्कुल भी नहीं है, इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है इनफाइनाइट,